नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। आपको पता है भारत कृषि प्रधान देश के साथ साथ महिला प्रधान देश भी है, जहां महिलाओं को पूरी आजादी है अपने तरीके से रहने और फैसला लेने का। रिचेस्ट वुमेन इंडिया की बात करें तो आने वाले समय में कुछ महिलाएं उभर कर सामने आई हैं और खुद को साबित की हैं कि वो किसी से कम नहीं, हर क्षेत्र में खुद को स्थापित कर रही हैं, साथ ही सफलता के परचम भी लहरा रही हैं। वर्तमान समय में सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया की देखें तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये संख्या ग्रामीण क्षेत्र में और भी ज़्यादा है। आने वाले समय में महिलाएं पुरुषों को भी पीछे छोड़ सकती हैं, जिसमें कुछ ने तो अपनी कामयाबी से मिसाल भी कायम की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया। निर्मला सीतारमन। 18 अगस्त 1960 में मदुरई तमिलनाडु में जन्मी निर्मला सीतारमन वर्तमान में भारत की 2019 से वित्त मंत्री हैं। लगातार तीसरी बार फोर्ब्स वर्ल्ड पावरफुल वुमेन लिस्ट में स्थान हासिल किया है। इस बार इन्हें पूरे विश्व में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही भारत द्वारा फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में पहले पर काबिज है। 62 वर्षीय निर्मला सीतारमन के पति का नाम परकला प्रभाकर है, जिनसे इन्होंने 1986 में शादी की थी। ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरी रक्षा मंत्री बनी थी। बात करें इनके नेटवर्थ की तो 2.63 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। रोशनी नादर। जुलाई 2020 में अपने पिता शिव नादर के इस्तीफा देने के बाद रोशनी नादर 2 वर्ष तक उपाध्यक्ष रहने के बाद HCL की बागडोर संभाली और इस समय HCL की चेयरपर्सन है। फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल लिस्ट 2021 में इन्हें पूरे विश्व में 92वें स्थान हासिल हुआ था। साथ ही फोर्ब्स के अनुसार किसी IT कंपनी को लीड करने वाली रोशनी पहली महिला हैं। इनके पति का नाम शिखर मल्होत्रा है, जो HCL कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। 94,850 करोड़ नेटवर्थ के साथ रोशनी नादर मल्होत्रा मोस्ट रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया हैं। ऋतु करिधाल। ये चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर हैं, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसरो में भारतीय वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत ऋतु करिधाल को फोर्ब्स की सेल्फ मेड वुमेन में शामिल किया गया था। 13 अप्रैल 1975 को लखनऊ में जन्मी ऋतु करिधाल को इसरो द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनके पति का नाम अविनाश श्रीवास्तव है। किरण मजूमदार शॉ। यह एक इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हैं, जो बायकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और फाउंडर है। बायकॉन एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडिया बेस्ट मेडिसिन कंपनी है, जो बैंगलोर में स्थापित है। 23 मार्च 1953 बैंगलोर में जन्मी किरण मजूमदार शॉ फिलहाल 69 साल की हैं, जिन्होंने जॉन शॉ से शादी की है, जो अमेरिकन फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं। इनकी नेटवर्थ $320 के साथ किरण मजूमदार शॉ मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में 4th स्थान पर हैं। फाल्गुनी नैयर। ये एक भारतीय करोड़पति बिजनेस वुमेन हैं, जो ब्यूटी रिटेल कंपनी नायका की फाउंडर और CEO हैं। मुंबई में जन्मी फाल्गुनी नायर वर्तमान में 59 वर्ष की हैं। इनके पति का नाम संजय नायर है, जो कि इंडियन एग्जीक्यूटिव हैं। फोर्ब्स लिस्ट 2021 में 28वें स्थान इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो 450 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। नीता अंबानी। इन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। मुंबई में जन्मी 59 वर्षीय नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन हैं, साथ ही भारतीय जनहितेशी हैं। फुटबॉल स्पोर्ट्स बोर्ड डेवलपमेंट को लीड करती हैं। इनके पति मुकेश अंबानी, जिनसे इन्होंने 1985 में शादी की थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडियन मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हैं। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में इन्हें 2रे स्थान पर रखा गया था। साथ ही मोस्ट रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में नीता अंबानी टॉप 5 में शामिल है। गीता गोपीनाथ। कोलकाता में जन्मी गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर 21 जनवरी 2022 काबिज थी, जो कि इस पद पर बैठने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इनकी संभावित सैलरी 174
$3,368 है और नेटवर्थ की बात करें तो $3 मिलियन है। इनके पति का नाम इकबाल सिंह है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट एंड लॉ के एकेडमिशियन है। सौम्या विश्वनाथ ये भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ और क्लिनिकल वैज्ञानिक हैं। इन्हें HIV और ट्यूबरकुलोसिस पर खास काम करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के पद पर ये कार्यरत हैं। फिलहाल ये 63 वर्ष की हैं और चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO के साथ ही जैविक चिकित्सा पर ध्यान दे रही हैं। इनके पति का नाम अजीत यादव है जो पेशे से डॉक्टर हैं। सुचित्रा इला भारत बायोटेक की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी है। कोरोना के समय इस कंपनी ने कोवैक्सीन टीका दिया था, साथ ही हेपेटाइटिस बी के लिए भी टीका बनाने वाली विश्व की दूसरी कंपनी है। फिलहाल इनकी उम्र 56 वर्ष है और ये तमिलनाडु में रहती हैं। इनके पति का नाम डॉक्टर कृष्णा एला है जो कि भारतीय वैज्ञानिक और एंटरप्रेन्योर है। अरुंधति भट्टाचार्य कोलकाता में जन्मी अरुंधति भट्टाचार्य बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया SBI की 2013 में पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी जो कि 24वें नंबर की चेयरपर्सन थी। 2016 में मोस्ट पॉपुलर मैगजीन फोर्ब्स के टॉप 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में 25वें स्थान पर थी। फिलहाल ये 66 वर्ष की हैं और सेल्स फोर्ब्स इंडिया की CEO हैं। फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट 2021 में इन्हें 6ठा स्थान हासिल हुआ है। आज हमने दुनिया के 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन के लिस्ट के द्वारा भारत की 10 शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो और इन महिलाओं से आपको प्रेरणा भी मिली हो। इनमें से किस महिला से आप ज़्यादा प्रभावित हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।